वेलकम टू रोशी हयात किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बटर नान। बहुत ही इजी है इसको बनाना और आप मेरी इस रेसिपी को जरूर जरूर ट्राई कीजिए। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे क्लिक कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ वाला रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसके साथ ही बेल आइकन पर बटन पर भी क्लिक कीजिए। ऐसा करने से मेरे वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, ऑल पर्पज फ्लावर, इसको अच्छे से मैंने छान लिया है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे, शुगर, नमक डालेंगे, सॉल्ट, बेकिंग सोडा डालेंगे यानी खाने वाला सोडा, बेकिंग पाउडर, ऑयल डालेंगे इसमें, तेल और दही डालेंगे। दैट्स कर्ड। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दही जो भी हम डालेंगे ये एकदम फ्रेश होना चाहिए। रखा हुआ दही प्लीज इसमें मत डालिए, खट्टा दही। और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें, ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। देखिए सारी चीज इसमें अच्छे से मिक्स हो गई। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। और इसका आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर लूकवॉर्म वाटर लिया है यानी गुनगुना पानी। गुनगुने पानी से नान का आटा बहुत अच्छे से गुनता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक सॉफ्ट आटा तैयार कर लेंगे। और ये देखिए एकदम सॉफ्ट डो लग के बिल्कुल तैयार है, आटा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसको एक बोल में हम ट्रांसफर कर लेंगे। और देखिए इसको एक बोल में हमने ट्रांसफर कर दिया है। अब इसे हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। और 2 घंटे के बाद हम नान बनाएंगे। और इसको 2 घंटे के लिए हम किसी गर्म जगह पर रख देंगे, जैसे कि माइक्रोवेव के अंदर या किसी और जगह, ऐसी जगह जो टॉवल वगैरह से ढक के, जैसे आटा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब हम नान बनाना शुरू करेंगे। नान बनाने के लिए पहले हम आटे का एक छोटा सा इसकी बॉल बनाएंगे। ये देखिए जितनी बड़ी आपको नान बनानी है आप उतना बड़ा ले लीजिए आटे का। और इसको अब हम रोटी की तरह रोल कर लेंगे। ये देखिए अब इसको हम बेल लेंगे रोलर पिन से। तो थोड़ा सा हम आटे में और लपेटेंगे। ये देखिए जहाँ आपको लगे कि चिपक रहा है तो थोड़ा सा सूखे आटे में से और लपेट लीजिए और फिर इसे रोटी की तरह बेल लीजिए। देखिए ये नान की तरह मोटी नहीं रहती है, इसको थोड़ा हमें पतला बेलना पड़ता है बटर नान को। ये देखिए, ये देखिए हमने इसे पतला सा बेल लिया है। अब इस पर हम बटर लगा देंगे इसमें चारों तरफ बहुत अच्छे से, जो कि मैंने मेल्ट करके रखा है। देखिए बटर इसमें हमने चारों तरफ लगा दिया है। अब इसे हम फोल्ड करेंगे बिल्कुल नान की शेप में, जैसे बटर नान होती है। इसके ऊपर भी हम बटर लगा देंगे। ये देखिए इसके ऊपर भी हमने बटर लगा दिया। इसका एक फोल्ड हम और करेंगे, इसको हल्के हाथों से वैसे प्रेस कर देंगे। ये देखिए अच्छे से ये दबा दिया इसके किनारे हमने, जिससे इसके किनारे खुले नहीं। अब इसको सूखे आटे में हम फिर लपेट लेंगे और इसे बेल लेंगे। ये देखिए, ये देखिए नान पूरी बिल चुकी है अच्छे से। अब इसको हम डेकोरेट थोड़ा सा कर लेंगे। तो इसमें इसके ऊपर हम अनियन सीड्स लगाएंगे, कलौंजी जिसे बोलते हैं। ये देखिए थोड़ा सा इसके ऊपर हम डाल देंगे। इसको हाथ से हल्का सा हम इसमें प्रेस कर देंगे। आप चाहें तो एक बार इसे बेलन से दोबारा भी इसे बेल सकते हैं, जिससे अंदर तक अच्छे से सेट हो जाए। इसे हल्के हाथों से हमने प्रेस कर दिया है। अब इसको हम पलट देंगे, ये देखिए, और इधर पानी अप्लाई करेंगे। अब इसके ऊपर हम अच्छे से पानी लगा देंगे, जिससे तवे के ऊपर हम ये डालें तो ये चिपक जाए। ये देखिए इसके ऊपर पानी हमने बहुत अच्छे से लगा दिया है, तवा हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसको हम तवे के ऊपर डाल देंगे। देखिए तवा अच्छे से गर्म हो चुका है, बिल्कुल रेड हो गया है। इसको हम डाल देंगे इसके ऊपर और इसको साइडों से आप इसको दबा दीजिए, जिससे ये निकले नहीं जब इसे हम पलटें। ये देखिए बहुत अच्छे से इसको हमने दबा दिया है। फ्लेम हमने बिल्कुल लो पे कर रखी है, जिससे अच्छे से सिक जाए। और आप ये देख रहे हैं कुछ ही सेकंड हुए हैं
नान को तवे पे पड़े हुए और ये किस तरह से भूल गई है, बिल्कुल इसी तरह जैसे तंदूरी नान होती है। अभी इसका मतलब ये पीछे से सिक चुकी है। अब इसको हम पलट देंगे, ये देखिए फ्लेम को हम हाई पर कर देंगे और इसको इस तरह से सेक लेंगे। हम ऐसे घुमा घुमा के हम चारों तरफ से इसको सेकेंगे नान को। और ये देखिए नान हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर हम बटर को लगा देंगे। ये देखिए नान बन के हमारा बिल्कुल तैयार है। इसको हम निकाल लेंगे देखिए, और बाकी के नान भी हम ऐसे ही बना लेंगे। और ये देखिए गर्मा गर्म फूली फूली बटर नान बनकर बिल्कुल तैयार है। ये किसी भी तरह से रेस्टोरेंट स्टाइल बटर नान से कम नहीं है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिए दाल मखनी के साथ, छोले के साथ, या किसी भी तरह की सब्जी के साथ। मेरे भी चैनल पे बहुत सारी सब्जी की रेसिपी अपलोड है, पनीर बटर मसाला, पनीर मखनी, काफी तरह की रिवाइज है। आप उसमें कोई भी उसमें से चूज करिए और बनाइए। उस सब्जी के साथ में ये बटर नान बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मेरी इस रेसिपी को आप जरूर जरूर ट्राई कीजिए। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे क्लिक कीजिए, और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।